साइंस के बारे में किसी को इतना पता है नहीं, तो कोई भी पब्लिशर आता है उनको पैसे देता है और वो पेड प्रमोशन कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। देखिए मैं आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस रेडियोमीटर के अंदर जो साइंस आती है वो कहाँ से पढ़नी है आपको, उसकी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है मैं आज आपको बताऊंगा। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने सबकी देखी है स्ट्रेटेजी, लेकिन लेकिन मुझे असरदार नहीं लगी किसी की। ठीक है, मैंने सबकी फॉलो करी लेकिन मुझे किसी के काम लायक लगी नहीं कि फायदा हो सकता है। तो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने ऊपर अप्लाई करी है, उसके बाद रिजल्ट दिखा है, तभी मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं साइंस से अलग बात करूँ, हिंदी हो गया, जैसे रीजनिंग, मैथ्स हो गया, उनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है अपनी चैनल पर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उनका, आप जाकर चेक कर सकते हैं वीडियो को भी। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है वो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, ऐसा मेरे भाई लोग कहते हैं, तो उनके लिए एक बार फिर से शुक्रिया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मैं वीडियो शुरू करने या फिर स्ट्रैटेजी बताने से पहले एक बात और बता दूँ आपको, कुछ भाई है मतलब ये नेट पे मेरे मतलब यूट्यूब पे कि जो मतलब पेड प्रमोशन कर रहे हैं आजकल, वो क्या है ना कि बहती गंगा में सब लोग हाथ धोना चाहते हैं। एक सेकेंड, बहती गंगा के अंदर हर कोई हाथ धोता है, तो वही काम उनका है। वो क्या कर रहे हैं कि मतलब साइंस के बारे में किसी को इतना पता है नहीं, तो कोई भी पब्लिशर आता है उनको पैसे देता है और वो पेड प्रमोशन कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो बात में ना उनकी वो दम नहीं है, मतलब जो वीडियो बता रहे हैं मतलब वो सच्चाई से नहीं झलकती उनकी वीडियो में कि हाँ ये एक्चुअल में बता रहे हैं ये काम करेगी, ये बुक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, बस अपने पेड प्रमोशन करने के लिए जबरदस्ती वीडियो बना रहे हैं, तो मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगी। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियो को अवॉइड करिए, बुक से बचिए आप। मैं खासकर आपसे ये कहना चाहूंगा कि यूपी पुलिस रेडियोमीटर के अंदर साइंस की बुक लेने से बचिए, क्योंकि इसका जो कंटेंट मैं आपको बताऊंगा ना, कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, सारी बुक फेल है उसके सामने, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए जितना कहता हूँ सिंपल उतना करते चले जाइए। सबसे पहले रोजगार विधंकित नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उनकी एप्लीकेशन मिलेगी प्ले स्टोर पर, जाके डाउनलोड करनी है। उसके बाद देखो उनका एक सेक्शन होगा फ्री पीडीएफ स्टोर नाम से। अब आप कह रहे होंगे कि मैं ऐसे दिखा क्यों नहीं रहा भाई, देखो वे ना स्क्रीनशॉट लेने नहीं देते ऐप के अंदर, मतलब स्क्रीनशॉट जैसे मैं लेने जाता हूँ तो वो ब्लॉक कर देते हैं, स्क्रीनशॉट खींचते नहीं उस ऐप के अंदर, तो इस वजह से मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा नहीं पा रहा, लेकिन आप मेरी बात सुनते रहे। बिल्कुल ऐसे ही करना है, फ्री पीडीएफ सेक्शन के अंदर जाकर आपको एक नीचे जाके एक फाइल मिलेगी, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, दोबारा सुन लीजिए, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर इस नाम से एक फोल्डर सा मिलेगा आपको। उसके अंदर जब क्लिक करोगे तो लगभग 40-45 के आसपास पीडीएफ आपको मिलेगी। अब वो सारी पीडीएफ आपको कैसे खत्म करनी है मैं बताता हूँ। देखिए आप ऐसा मत करना कि YouTube पे जा रहे हो, आपने देखा कि ये अरे ये प्लेलिस्ट सर की, मैं यहाँ से प्लेलिस्ट देखना शुरू कर देता हूँ। हाँ मैंने बताया नहीं, जो जो मैं आपको ये पीडीएफ बताई है इनकी प्लेलिस्ट भी आपको वीडियो भी YouTube पे मिल जाएगी, लेकिन आपको वीडियो नहीं देखनी पहले, मैं बताता हूँ करना क्या है। पहले अपने आप से जल्दबाजी से मतलब जैसे आपने एक पीडीएफ खोली, पीडीएफ खोलने के बाद में एक बार ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लो उस पीडीएफ का। ठीक है, मैं भी ऐसे करता था। अब उससे होगा कि आपको एक बार आइडियाज हो जाएगा कि इस पीडीएफ के अंदर क्या क्या कंटेंट दे रखा है, क्या क्या है इसमें पढ़ने के लिए। ठीक है, उसको करने के बाद में फिर दोबारा से तरीके से बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ना है आपको वो पीडीएफ का कंटेंट, और जहाँ भी जो भी टॉपिक आपको समझना है वहीं पे रोको पीडीएफ को, यूट्यूब पे खोल लो, उनकी प्लेलिस्ट में जाओ, ये देखो कि वो टॉपिक किस वीडियो के अंदर है, वीडियो खोल के उसी टॉपिक पे जाके वीडियो स्टार्ट करो और उस वीडियो को मतलब उस पॉइंट को तरीके से समझो। समझने के बाद दोबारा पीडीएफ से समझो, फिर देखना क्या मजा आएगा। ये होता है दोस्तों सेल्फ स्टडी करने का तरीका। ठीक है, सेल्फ स्टडी जब करते हैं ना, मतलब इसको बोलते हैं कि कम समय में ज़्यादा आउटपुट लेने का जो तरीका होता है सेल्फ स्टडी के थ्रू, वो यही है। खुद पढ़ो, जहाँ समझना है टीचर की हेल्प लो, दोबारा से पढ़ो और फिर आगे चलो, ये होता है फ्लो बेहतरीन पढ़ाई का। और देखो ये सेल्फ स्टडी का देखो मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं जीके भी मैंने ऐसे ही पढ़ी है। ठीक है, हिस्ट्री में सारी खुद मतलब हिस्ट्री जो ल्यूसेंट के अंदर थ्योरी है वो सारी मैंने खुद पढ़ी है, जहाँ समझ नहीं आता था मैं यूट्यूब पर देख लेता था, तो ऐसे ही मैंने साइंस पढ़ी। और जो ये 40-45 वीडियो है ना मतलब पीडीएफ है ना, ये आपको मुश्किल से 10 दिन लगेगा खत्म करने में। अगर एक दिन में आप 3 से 4 पीडीएफ भी खत्म करोगे तो 10 दिन में आपकी सारी खत्म हो जाएगी। आप हो गए यार 10 एक दिन में 3-4 पीडीएफ कैसे खत्म होगी भाई, इनके अंदर जो कंटेंट है ना मतलब इतना भी नहीं है कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे। कंप्यूटर लैंग्वेज में ऐसे पैराग्राफ में नहीं दे रखा, हैंड रिटन नोट्स है, बड़ी जल्दी आप एक पीडीएफ को खत्म कर दोगे। और अगर अगर डेली 1-1.5 घंटा भी दोगे ना तब भी अच्छे तो 2 या 3 पीडीएफ बड़े आराम से निपटा दोगे आप, और ज्यादा दिक्कत आएगी उसको वीडियो देख लो, बात खत्म। देखो ऐसे करना है तुम्हें थ्योरी का सेक्शन, और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, जहाँ 1 महीने बाद भी लोग बाग वीडियो पे अटके के रहेंगे ना, आप अपनी पूरी थ्योरी खत्म करके सारे डाउट क्लियर करके अपना तसल्ली से बैठे पाओगे।
अब थ्योरी करने के बाद में दूसरा काम आता है प्रैक्टिस का। देखो मैं अपने बताऊं, मैं थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस में बिलीव करता हूं, क्योंकि जितना प्रैक्टिस आपको जितने कम समय में आपको प्रैक्टिस सिखा देती है ना, इतना थ्योरी आपको कभी भी नहीं सिखा पाएगी। पता है क्यों? जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप वो क्वेश्चन भी कर पाते हो जो थ्योरी के अंदर भी नहीं दे रखे, जैसे कि ऑप्शन एलिमिनेट करना, दोनों ऑप्शन को आपस में रिलेट करके तीसरे को कैंसिल करना, ये चीज आप प्रैक्टिस से कर पाओगे। थ्योरी चाहे कितनी पढ़ लो, एक ना एक दो क्वेश्चन आपको हमेशा फंसाएगा और वहाँ प्रैक्टिस आपकी काम आएगी। तो प्रैक्टिस करने कैसी है? रोजगार विधंकित की एप्लीकेशन में जाइए, फ्री वीकली टेस्ट नाम से एक सेक्शन मिलेगा, उसमें जाइए। यूपी पुलिस रेडबटर के 25 मॉक टेस्ट दे रखे हैं उन्होंने, फ्री है बिल्कुल, ये जाइए। अगर आपके पास में 2.5 घंटे फ्री है, आप डेली दे सकते हो, आप केवल पुलिस के लिए, यूपी पुलिस रेडबटर के लिए तैयारी कर रहे हो, तो पूरा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करिए। अब जैसे मैं भाई दूसरे एग्जाम की तैयारी करता हूँ, खैर उस पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे मैं तैयारी करता हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं 2.5 घंटे दूँ, तो मैं अपना साइंस का पेपर देता हूँ, उसको देकर सबमिट करके अपना मैं एनालाइज कर लेता हूँ क्या गलती थी, एक्सप्लेनेशन देख लेता हूँ क्वेश्चन का, और बात खत्म। ये मेरा रिविजन भी हो गया, प्रैक्टिस भी होगी, थ्योरी का रिविजन भी मैंने नहीं कर लिया। ये होता है बेस्ट तरीका पढ़ने का। अब 25 मॉक टेस्ट करने के बाद में, अब अगर आपके पास में टेस्ट बुक का पास प्रो है ना, तो आप उसके अंदर भी जाके अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हो। देखो मैं ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है टेस्ट बुक की तरफ से, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे पास टेस्ट बुक की एप्लीकेशन है, मैंने खरीद रखा है और मुझे अच्छा लगा यार, फायदा है उसको लेने में। काफ़ी सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिल जाते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर भी अरेंज फॉर्म में मिल जाते हैं, सेक्शन वाइज चैप्टर वाइज फुल टेस्ट है, हर चीज़ है वहाँ पे, और ये प्रमोशन नहीं है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। तो लगभग 30 से 35 मॉक टेस्ट आपको टेस्ट बुक में मिल जाएंगे, इसके मोर देन इनफ है इतनी प्रैक्टिस साइंस के लिए। मैं अब सही कह रहा हूँ, झंडे गाड़ दोगे अगर तुमने इतनी भी प्रैक्टिस कर ली। जहाँ लोग बाग 1 महीने में अपनी थ्योरी भी कंप्लीट नहीं करोगे, आप 10 दिन में तो अपनी थ्योरी कंप्लीट करिए, अगले 20 दिन में आप प्रैक्टिस जबरदस्त कर दोगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस 1 महीने में जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। देखो ये है मेरी छोटी सी स्ट्रैटेजी, और चैनल की तरह भाई देखो मैं पेड प्रमोशन करने नहीं आया किसी भी बुक का, मैं ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस मतलब साइंस के लिए भी आप बुक खरीदो। अब जब फ्री में यार कंटेंट अवेलेबल है, तो क्यों ना उसका भरपूर फायदा उठाया जाए, ठीक है? मेरी ये सोच रहती है, और जिस दिन पेड प्रमोशन होगा मैं आपको पहले से बता दूंगा वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही था, और कमेंट करके बता देना यार स्ट्रेटेजी कैसी थी। तो चलिए मिलते कभी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।